इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अब कोरोना वाकई खतरनाक रुख इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। बेलगाम जिला पिछले कुछ दिनों से 200-250 के करीब पॉजिटिव पाए जा रहे। अगर शहर की बात की जाए तो हमने काफी खास लोगों को खोया हुआ है। मौतें अब सिर्फ आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड की वजह से या तो कोरोना से मौतें हो रही है, लेकिन उम्रसिदा अफराद जो जमात के जिम्मेदार थे, जिन्होंने माशरे के लिए, इस मुस्लिम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, अपनी उम्र खपाई, ऐसे लोगों को आज इत्तेहाद न्यूज़ भी नहीं याद कर रहा है। जिस तरह से एक हवा जो बनी हुई है और कह रहे हैं कि क्या मौत की हवा चल रही है, कब्रिस्तान और शमशान में हर रोज़ जनाजे उठाए जा रहे हैं तो शमशान में चिताएँ भी जलाई जा रही हैं। शहर में 117 एक्टिव जोन हैं। पिछले सिर्फ 15 दिनों में बेलगाम शहर के 28 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों ने माशरे के लिए काफ़ी खिदमात अंजाम दिए हैं और इन्हें बेलगाम वाले कभी फरामोश नहीं कर सकते। खासकर डॉक्टर प्रोफेसर शौकत मनियार, जिनका तवील बीमारी से बेंगलोर में इंतकाल हुआ। प्रोफेसर मनियार मुहिब्बाने उर्दू थे और कई किताबों को उन्होंने लिखा था। इसी तरह फोर्ट रोड वारा इमाम मस्जिद के सदर जनाब गौस पीरजादे साहब मुख्तलिफ इजलासों तकरीबों को हमेशा मुनक्किद करते रहते थे। इनके अचानक चले जाने से माशरे को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसका बेलगाम के मुसलमानों को एहसास है। खासकर इत्तेहाद न्यूज़ को हमेशा गौस पीरजादे ने सराहा है। अखबार पैगाम इत्तेहाद के लिए हमेशा गौस पीरजादे मशवरा दिया करते थे। काकती वेस रोड के जनाब माड़ीवाले साहब का भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। जनाब माड़ीवाले साहब काफ़ी सालों से गौसिया मस्जिद के जिम्मेदार के तौर पर खिदमात अंजाम दिया करते थे। पिछले कुछ अरसे से तबीयत नासाज थी, लिहाजा कल इनका अचानक इंतकाल हुआ। और भी लोग थे जो हमें छोड़कर चले गए। अल्लाह तबरक तआला से दुआ है कि तमाम मरहूमीन की मगफिरत हो। ये जो भी इंतकाल कर गए हैं, मोहल्ले के बुज़ुर्ग थे और इनकी कमी माशरे में हमेशा महसूस की जाएगी। इतना तो ज़रूर है कि अवाम में डर देखा जा रहा है। मुर्दा घर में मुर्दे आज भी कतार में खड़े नजर आते हैं। आज भी कब्रिस्तान शमशान में लाशों को जलाया जा रहा है। कल 10 मुर्दों में सिर्फ 2 ही फहरिस्त में दर्ज दिखाई दे रहे थे। सिविल अस्पताल को लेकर कई खबरें गश्त कर रही हैं, जिस पर तवज्जो ना देने का ऐलान बिम्स की जानिब से किया जा रहा है। ज़िला वज़ीर रमेश जारकीहोली ने बिम्स के मामलात को संजीदा लेने की बात कही है। अब बेलगाम ज़िला या दिगर तालुकाओं में भी बड़ी तादाद में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सिर्फ अथनी कागवाड़ में ही 130 से भी ज़्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए। हर रोज़ 8-10 लोगों की मौत से सेहत महकमा भी फिक्र में है, पर जल्द काबू पा लेने का भरोसा दिलाया जा रहा है। बिम्स के खिलाफ इससे पहले भी अवाम में नाराज़गी देखी गई है, पर अब तो लाशों को बदलने तक नौबत पहुंचने की खबर हासिल हुई है। मामला थाने तक पहुंच चुका है। इत्तेहाद न्यूज़ के चैनल के ज़रिए से मैं एक तरफ आप सभी की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। कल भारतीय क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी हरभजन सिंह ने बात की, इस वक्त दोहराना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि देश आज के हालात को मंजर आम पर लाने की बात हरभजन सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल छोटे मुल्क जहां ओलंपिक खेलों में मुल्कों के नाम को रोशन कर रहे हैं, वही भारत जैसा 140 करोड़ का मुल्क हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहा है। हरभजन सिंह ने यह बात सही कही है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी फिर से उसी नफरत की राह पर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब पूरा देश कोरोना महामारी से बिल्कुल निढाल हो चुका है, मईशत गिर चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि क्या मौत का तांडव एक तरह से होने का डर इस मुल्क को महसूस किया जा रहा है। पर भारत में आज फिर राम मंदिर तामीर का खेल शुरू करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या राम मंदिर से कोरोना चला जाएगा। वाकई भारतीय सियासत की इससे घटिया तस्वीर हमने कभी नहीं देखी। क्या धर्म के नाम पर देश तमाम मुसीबतों पर कामयाबी हासिल करेगा? तमाम सवालों के जवाब अब आवाम को हुकूमत का गिरेबान पकड़कर पूछना होगा, वरना काफी देर हो जाएगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।